उत्तराखंड के कुमाऊं में माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत सहायक अध्यापक एटी के शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसके तहत उत्तराखंड के कुमाऊं में तैनात करीब 3,000 शिक्षकों के तबादले होंगे। लगभग 10 श्रेणियों में हो रही 5 दिवसीय तबादला प्रक्रिया शनिवार से जीजीआईसी नैनीताल में शुरू की गई। काउंसलिंग के बाद शिक्षकों को विद्यालय आवंटित किए जाएंगे। इस दौरान अनिवार्य अनुरोध के आधार पर पति पत्नी और गंभीर बीमारी से ग्रसित शिक्षकों की तैनाती में फेरबदल किया जाएगा। अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा कुमाऊं लीलाधर ने बताया कि उत्तराखंड के कुमाऊं में माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत सहायक अध्यापक एटी के शिक्षकों की स्थानांतरण प्रक्रिया शुरू की जा रही है। उन्होंने कहा कि 5 दिन तक चलने वाली प्रक्रिया में अनिवार्य रूप से सुगम से दुर्गम और दुर्गम से सुगम में तबादले किए जाएंगे। इसके अलावा अनुरोध के आधार पर प्राप्त आवेदनों की पड़ताल के बाद भी संबंधित शिक्षकों को अन्यत्र तैनाती दी जाएगी। नैनीताल से तेज सिंह की रिपोर्ट। स्थानांतरण प्रक्रिया 2024 के अंतर्गत पद स्थापना के लिए काउंसलिंग के माध्यम से यहाँ पर सभी जो हमारी अध्यापकगण हैं उनको आमंत्रित किया गया है। आज काउंसलिंग का प्रथम दिवस है, तो हमारी जो काउंसलिंग है एलटी स्थानांतरण से संबंधित 19 जुलाई से लेकर के और 24 जुलाई तक ये काउंसलिंग प्रक्रिया हमारी संपादित होगी। आज 19 जुलाई यानी जो प्रथम दिवस है काउंसलिंग का, इसमें हमने सुगम से दुर्गम के लिए जो चिन्हित हमारे कार्मिक हैं जिनके स्थानांतरण होने हैं, तो उसमें सामान्य शाखा और महिला शाखा दोनों संवर्ग के अध्यापकों को बुलाया गया है। और साथ ही आज अपराह्न में जो अनुरोध की जो श्रेणियां महिला संवर्ग में, सभी श्रेणियां 7 श्रेणी महिला संवर्ग में जो अनुरोध की है, उसमें सभी महिला संवर्ग के जो हमारी अध्यापिकाएँ हैं उनको बुलाया गया है। तो आज पहले दिन सामान्य शाखा में सुगम से दुर्गम और महिला शाखा में सुगम से दुर्गम और महिला संवर्ग की जो अनुरोध की कैटेगरी है उसकी काउंसलिंग हमारी आज संपादित हो जाएगी।